बरार तहसील क्षेत्र के मखली झरा गांव में हैंडपंप का दूषित पानी पीने से जाट बस्ती के करीब एक सैकड़ा ग्रामीण उल्टी दस्त और बुखार से काफी ज्यादा पीड़ित हो गए हैं। गुरुवार को 2 दर्जन से अधिक लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोहरी भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दर्जन भर से अधिक ग्रामीणों को इलाज के लिए जिला अस्पताल से शिवपुरी रेफर किया गया। मखली झरा गांव के सुरेश जाटव और कंपू जाटव ने बताया कि बस्ती में लगे हैंडपंप का दूषित पानी पीने से जाटव बस्ती के करीब 100 ग्रामीण उल्टी दस्त और बुखार का शिकार हो गए हैं। साथ ही साथ एक व्रत महिला मथुरा जाटव की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत भी हो गई। वहीं गांव में बीमारी फैलने की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी गांव का दौरा किया, साथ ही साथ दवाइयों का वितरण भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जाटव बस्ती में लगे पंप का पानी पीने से ग्रामीण बीमार हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उल्टी दस्त और बुखार से कई लोग पीड़ित हुए हैं, जिनमें पीड़ित धर्मेंद्र जाटव पुत्र राम स्वरूप जाटव उम्र 20 साल, कमलेश जाटव पति दिनेश उम्र 30 साल और साथ ही साथ जगराम यादव को भी यहां पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और एक मरीज गंभीर रूप से घायल है, एक मरीज को मेडिकल कॉलेज वहीं 2 मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ रहते हो? मखली जरा। कहाँ पड़ता है ये? पड़ता है बरनावा से 4 किलोमीटर आगे। क्या हो गया आपको? उल्टी दस्त। कब से? 3 दिन हो गया। अरे कोई पानी वगैरह पिया था क्या? क्या हुआ था? हाँ उसी हेडपम्प से पानी पीते हैं, और कौन से पियेंगे। तो पूरा गांव बीमार हो गया? पूरा गांव बीमार। कब से बीमार है? 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए। जे तूफान चला ना उससे एक दिन पहले बीमार हो चुके हैं। तो कोई धर्म भी हुआ है गांव में? कौन हुआ था? हमारी दादी का दम हुआ। पानी थी? हाँ। क्या बीमारी हुई थी? उल्टी दस्त। कितने लोग बीमार होंगे गांव में? 300-150 के करीबन। बाकी लोग कहाँ हैं? काफी लोग सब अपने अपने जगह हैं। बहराड़ को, ग्वालियर को, यस वेस में, वहाँ में कौन सा हॉस्पिटल है वो? और उसका क्या नाम है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज उसमें 3 उसमें डाले हुए। अच्छा, यहाँ पे कितने आए हैं आप? 2। 2 एक उधर है लेडीज। माता जी का नाम क्या था? मथुरा जाटव। उम्र कितनी होगी? 45-55 साल की। आपने शिकायत वगैरह की थी कहीं अधिकारियों से हेडपंप में? हाँ की थी, अब मैंने खुद नहीं की थी। क्या की थी? मैंने जी सर हमारे गांव में ऐसी कौन सी समस्या आ रही है, तुम्हारे गांव वाले खत्म हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? आए हैं बहुत 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 आए हैं, अभी भी चेकिंग हो रही है हेडपंप की चेकिंग। हाँ तो क्या निकला उसमें, कुछ बताया आपको? तो मैं तो बीमार हो गया। हाँ मतलब उसमें कैसा क्या आया हुआ है एडवर्म में आपको थोड़ी बहुत जानकारी? वहाँ से नाले का पानी आता, पूरा बरसात का पानी आता, दवाई वगैरह डालते हैं सोयाबीन में, उसका पानी उसी के पास से निकलता है, नाला निकला है बस। हाँ जो हेडपम्प है गाँव में है कि बाहर है? गाँव में थोड़ा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं होगा इतना, वहाँ से चल के वो गेट इतना दूर है। गाँव में और भी हेडपम्प लगेंगे? वो ही हेडपम्प है, वो दूसरे तो वो तो बेकार है। क्या नाम है आपका? लपकोस। कहाँ रहते हो? मखलीजरा। ये कौन है आपके? पिताजी। क्या नाम है? जगराम। क्या हो गया गाँव में? गाँव में पानी की वजह से। कैसा पानी पिया था? वो उल्टी दस्त हो गई। कहाँ से लिया था पानी, मतलब कहाँ से भरा? हेडपम्प से। हेडपम्प से गांव में लगाए? हाँ। कितने लोग बीमार होंगे गांव में? वहाँ भी 50-60 होंगे। 60 लोग अभी। सीपरी कितने बढ़ती हैं यहाँ पे? तो सीपरी यहाँ पर 6-7। 6-7 किसी की मौत भी हुई है? सो हाँ, एक की मौत हो गई है। तो कोई जांच करने कोई टीम वगैरह नहीं पहुँची? पहुँची थी। दिनेश। कहाँ थे? मखलीजरा। कहाँ पड़ता है थाना? कौन? बैराट। क्या हो गया? पत्नी है आपकी? हाँ पत्नी। क्या हो गया इनको? दस्त है, उल्टी दस्त। तो पूरे गांव में चल रहा है? पूरे गांव। कब से? आज 6 रोज हो गए।
कारण क्या है सर? आप अगस्त में इसका पता नहीं पड़ेगा क्या कारण, पानी से गए हैं, हेडपम्प वगैरह लगा गया आपने? हेडपम्प का पानी पी रहे हैं, हेडपम्प का पानी पिया सभी गाँव वाले? सभी गाँव। कितने लोग बीमार होंगे गाँव में इस समय? तो गांव में कम 20 लोग बीमार हैं, 20 20 बीमार हैं। और इलाज वगैरह कहाँ चल रहा है? आज टीम गई है वहाँ पर यहीं से। पत्नी का नाम क्या? कमलेश। कमलेश पूरा नाम? कमलेश जाटव। सभी ने एक ही हेडपम्प से पानी पिया? सभी। कोई गंदा पानी आया था उसमें? देखा नहीं सब, अब तो गंदा मिल गया, बाहर से पानी आता है वहाँ पर साफ देख रहा था।